मेरा पार्ट तो आज मम्मा ने कर दिया, सो थैंक यू मम्मा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैंने सोचा कि माँ के साथ ब्लॉग बनाऊँ, छोटा सा ब्लॉग। लाइक मम्मी की हॉबी है कुकिंग, शी इज़ अ वंडरफुल शेफ। सो आई डिसाइडेड कि मम्मी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने टाइम में वो चीज़ें नहीं कर पाई, बट आई थॉट कि आज मैं अपने टाइम में मम्मा को थोड़ी सी खुशी दे दूँ। सो आई थॉट कि मम्मा में जो क्वालिटीज़ हैं आप सबों को दिखाऊँ। सो क्या बनाने वाले मम्मी? बिहारी पोहा। ओके, आपने इसकी प्रिपरेशन कर रखी है? शी इज़ वेरी स्मार्ट। तो आइए शुरू करते हैं कुकिंग वीडियो। चलो मम्मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आज बिहारी स्टाइल में पोहा तैयार करते हैं। इसमें बीन्स, टमाटर, करी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, प्याज, गाजर, ये सारे वेजिटेबल्स, मूंगफली, आलू, अजवाइन, राय। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 चम्मच सरसों तेल, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राय, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी करी पत्ता, बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा चला देंगे इसको। चलाने के बाद बीन्स डालेंगे, गाजर डालेंगे, पीनट्स डालेंगे, आलू डालेंगे, मिलता हुआ मिलाकर फ्राई करेंगे। इसके बाद हरी मिर्च डाल देते हैं। थोड़ी सी हल्दी, इसको ढक देते हैं। पोहा 5 मिनट के लिए सब सेंट है। और पोहे को पानी में भिगोकर 2 मिनट के लिए मम्मी ने साइड कर दिया। उसके बाद फिर पानी हटाकर पोहे को कढ़ाई में ऐड कर दिया। ये रोस्टेड मसाला है जिसे मैंने पहले से तैयार कर रखा है। जब भी मैं चावल वगैरह फ्राई करती हूँ तो उसमें डालती हूँ, स्वाद अच्छा आता है। चटपटा बनाने के लिए नींबू का रस डाल देते हैं। और ये हमारा पोहा बनकर रेडी हो चुका है। एज यू कैन सी बहुत यमी लग रहा। एज यू कैन सी वी वर डूइंग लॉट्स ऑफ मस्ती एंड पोहा वॉज रियली टेस्टी। ट्यूनिंग कर रखा है, एक जैसे टॉप पहने हैं। एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।